Welcome to the yet another session on the subject computer networks. The topic of today's discussion is IEEE 802.11 MAC sublayer functions. In our previous lecture, we have already discussed the IEEE 802.11 physical layer functions. So, today's lecture, we will discuss karenge what are the MAC sublayer functions of IEEE 802.11. क्योंकि वायर्ड uh, और वायरलेस नेटवर्क में जो डिफरेंस होता है दैट इज बेसिकली ऑन द फर्स्ट टू लेयर्स ऑफ द ओएसआई मॉडल वायर्ड और वायरलेस में हम जब डिफरेंस की बात करते हैं तो वो डिफरेंस बेसिकली uh, दो लेयर्स पे ही होता है फिजिकल लेयर पे और डेटा लिंक लेयर पे दोनों की फिजिकल लेयर की और डेटा लिंक लेयर की फंक्शनैलिटीज अलग अलग होती हैं लेकिन जब आप डेटा लिंक लेयर से ऊपर चले जाते हो नेटवर्क लेयर

Uh, uh, basically we use collision detection in uh, the wired networks and collision avoidance in the wireless network to so, jo major difference hai wired or wireless network mein wo do layers pe hi hai physical layer pe aur mac layer pe physical layer pe humne sare functions discuss kar liye hain kal ieee 802.11 ke तो आज हम discuss करेंगे mac सब लेयर तो जब हमने इथरनेट करा था आपको याद होगा तो हमने वहां पे सारा जो हम कुलिजन मैक uh, सब लेयर फिर देख रहे थे सी एस एम में सी डी लेकिन कुलिजन डिटेक्शन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है तो यहाँ पे कुलिजन अवॉइडेंस ही होगी कैरियर को सेंस करेंगे अगर कुलिजन को अवॉइड करने के एलगोरिदम इंप्लीमेंट करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन ऑन द मैक्स लेयर फंक्शन ऑफ आई ट्रिपल जीरो टू डॉट इलेवन तो दो फंक्शन हैं जी डिस्ट्रीब्यूटेड कोऑर्डिनेशन फंक्शन एंड पॉइंट कोऑर्डिनेशन फंक्शन डिस्ट्रीब्यूटेड कोऑर्डिनेशन फंक्शन है फॉर एडहॉक वायरलेस नेटवर्क और पॉइंट कोऑर्डिनेशन फंक्शन है फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर क्योंकि जब हमने आर्किटेक्चर डिस्कस किया था तो दो तरह की ही सर्विस हमने डिस्कस करी थी आ, उसमें हमने बेसिक सर्विस सेट और एक्सटेंडेड सर्विस सेट देखा था बेसिक सर्विस सेट में आपने दो वेरिएशंस देखी थी एडहॉक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर तो एडहॉक में डायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है कोलिजन को अवॉइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेशन पे होती है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क में द कम्युनिकेशन बेसिकली टेक्स प्लेस थ्रू द एक्सेस पॉइंट तो उस केस में एक्सेस पॉइंट है जो वो रिस्पॉन्सिबल हो जाता है फॉर अवॉइडिंग द तो दिस इज इंफ्रास्ट्रक्चर टोल्ड यू इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज होता है एक्सेस पॉइंट और दूसरा हमारे पास था एडहॉक नेटवर्क एडहॉक में वी डोंट हैव एनी कम्युनिकेशन कम्युनिकेटिंग डिवाइस कम्युनिकेशन डिवाइस तो उसमें स्टेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो एडहॉक नेटवर्क के लिए हम यूज करते हैं पॉइंट कोऑर्डिनेशन फंक्शन डिस्ट्रीब्यूटेड कोऑर्डिनेशन फंक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क के लिए यूज करते हैं पॉइंट कोर्डिनेशन फंक्शन सिंपल तो आप देखते हैं कि एडहॉक नेटवर्क में मैक सब लेर क्या करती है और इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर में इंफ्रास्ट्रक्चर uh, नेटवर्क में मैक लेयर क्या करती है देट इज पॉइंट कोर्डिनेशन फंक्शन तो सबसे पहले देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कोऑर्डिनेशन फंक्शन तो डिस्ट्रीब्यूटेड कोऑर्डिनेशन फंक्शन में क्या होता है सबसे पहले ट्रांसमिटिंग स्टेशन सोर्स कैरियर। सबसे पहले वो कैरियर को सेंस करता है अगर तो वो बिजी हुआ तो वो आराम से बैठ जाएगा एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम के लिए और फिर से कैरियर को सेंस करेगा कैरियर सेंस करने के बाद अगर वो हुआ फ्री तो फ्री सेंस करने के बाद सोर्स क्या करेगा इट विल वेट फॉर डी आई एफ एस डी आई एफ एस स्टैंड फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरफ्रेम स्पेस डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरफ्रेम स्पेस तो एक टाइमर होता है जैसे जब करियर सेंस किया तो वो बिजी निकला तो एक बैक ऑफ टाइमर वो एक, आ, कर देता है तो बैक ऑफ टाइमर एक टाइमर होता है जिसके एक्सपायर होने के बाद वो कैरियर को वापस सेंस करेगा लेकिन अगर कैरियर को सेंस करने के बाद वो निकला फ्री तो वो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरफ्रेम स्पेस वेट करेगा वो वेट करने के बाद सोर्स क्या करेगा वो एक रिक्वेस्ट भेजेगा डेस्टिनेशन को जिसको बोलते हैं रिक्वेस्ट टू सेंड आर टी एस तो जैसे ही डेस्टिनेशन को मिला रिक्वेस्ट टू सेंड वो क्या करेगा वो एक टाइम पीरियड वेट करेगा जिसको बोलते हैं शॉर्ट इंटरफ्रेम स्पेस तो शॉर्ट इंटरफ्रेम स्पेस वेट करने के बाद वो एक मैसेज करेगा क्लियर टू सेंड सी टी एस मतलब ट्रांसमिशन करने की परमिशन है तो क्लियर टू सेंड मिलने के बाद सोर्स फिर से वेट करेगा कितनी देर के लिए शॉर्ट इंटरफ्रेम स्पेस तो शॉर्ट इंटरफ्रेम स्पेस वेट करने के बाद जो सोर्स है वो डेटा ट्रांसमिट कर देगा डेटा मिलने पे डेस्टिनेशन फिर से वेट करेगा शॉर्ट इंटरफ्रेम स्पेस और वेट करने के बाद फिर से ट्रांसमिट कर देगा तो इस तरह से वो आपका जो होगा वो कुलिजन को हम अवॉइड करने की कोशिश करेंगे कैरियर सेंस करेंगे अगर बिजी हुआ तो बैक ऑफ टाइमर वेट करेंगे बैक ऑफ टाइमर के एक्सपायर होने के बाद फिर से सेंस करेंगे फिर बिजी निकला तो फिर बैक ऑफ टाइमर वेट करेंगे और अगर वो फ्री निकला तो हम क्या करेंगे space, एक है, वो कर देगा, उसके कंप्लीट होने पे वो रिक्वेस्ट टू सेंड भेजेगा रिक्वेस्ट टू सेंड रिसीव होने पे डेस्टिनेशन स्टेशन शॉर्ट इंटरफ्रेम स्पेस वेट करेगा और क्लियर टू सेंड भेज देगा कि आई एम रेडी टू रिसीव द डेटा

जब भी कोई स्टेशन आरटीएस भेजता है रिक्वेस्ट टू सेंड तो वो उसमें स्पेसिफाई करता है वो कितनी देर के लिए डेटा ट्रांसमिट करेगा लेट्स सपोज वो करेगा 10 मिलीसेकंड्स के लिए तो ये जो टाइम होगा ट्रांसमिशन का इट विल बी मेंशनड इन द आरटीएस तो आरटीएस के अंदर जितना टाइम मेंशनड होगा जितने भी कंसर्न्ड स्टेशन होंगे वो उतने टाइम के लिए अपना एक क्लॉक चला देंगे जिसको हम बोलते हैं नेट एलोकेशन वेक्टर। तो जब तक वो नेट एलोकेशन वेक्टर एक्सपायर नहीं हो जाता वो कैरियर को सेंस नहीं करेंगे तो इट मींस जो सोर्स है वो 10 मिली सेकेंड के लिए ट्रांसमिशन करेगा और बाकी सभी स्टेशन ने दस मिली सेकेंड्स के लिए वो सेंसिंग जो है वो बंद कर दी अगर उन्होंने सेंसिंग बंद कर दी तो ऑब्वियसली देर आर नो चांस ऑफ कोलिजन ठीक हो गया जी सो दिस इज द वर्किंग ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड कोऑर्डिनेशन फंक्शन तो कैरियर को सेंस किया तो so अब कैरियर सेंसिंग जो वायरलेस नेटवर्क में है उसके लिए हम बड़ा एक खतरनाक सा कॉम्प्लिकेटेड सा एल्बोरथम यूज करते हैं जिसको बोलते हैं क्लियर चैनल असेसमेंट क्योंकि वायरलेस में सेंसिंग इतनी इजी नहीं है तो वायरलेस में सेंसिंग के लिए जो हम मैकेनिज्म यूज करते हैं उसको बोलते हैं क्लियर चैनल असेसमेंट इसमें दो चीजें होती हैं इसमें होती है कैरियर सेंसिंग और दूसरा होता है एनर्जी डिटेक्शन एनर्जी डिटेक्शन बेसिकली फिजिकल लेयर पे होता है बट कंट्रोल्ड बाय द मैक लेयर तो कैरियर को सेंस करने के लिए हम सीसीए टेक्नोलॉजी क्लियर चैनल असेसमेंट यूज करते हैं अगर कैरियर बिजी निकला तो बैक ऑफ टाइमर एग्जीक्यूट कर देते हैं और उस टाइमर के एग्जीक्यूट होने के बाद फिर से सेंस करते हैं अगर फ्री हुआ तो डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरफ्रेम स्पेस वेट करेंगे आरटीएस भेजेंगे आरटीएस में हम ये बताएंगे कितनी देर के लिए हम ट्रांसमिशन करेंगे डेस्टिनेशन को जैसे ही आरटीएस मिलती है वो शॉर्ट इंटरफ्रेम स्पेस वेट करता है और सी भेज देता है और जैसे ही आरटीएस की वैल्यू सभी के पास पहुंचती है वो उतनी देर के लिए एक टाइमर चला देते हैं और अपना करियर सेंसिंग जो कैरियर सेंसिंग है उसको बंद कर देते हैं तो मिली सेकेंड एक्सपायर होने के बाद नेट एलोकेशन वेक्टर है जो उसकी वैल्यू एक्सपायर होने के बाद बाकी स्टेशन भी सेंसिंग स्टार्ट कर देंगे फिर से सो दिस इज हाउ डिस्ट्रीब्यूटेड कोऑर्डिनेशन फंक्शन वर्क एंड द कोलिजन इज अवॉइडेड। सो कोलिजन अवॉइडेड की मैंने बता ही दिया आपको नेट एलोकेशन है वो कोलिजन अवॉइडेंस के लिए यूज होता है उसकी वैल्यू आर में पहले से दी होती है जैसे ही वो वैल्यू पता चलती है कंसर्न स्टेशन को वो एक टाइमर चला देते हैं जिसकी वैल्यू नैव के इक्वल होती है तब तक वो कैरियर को सेंस नहीं करते उसके एक्सपायर होने के बाद ही सेंस करते हैं तो अब दूसरा आ गया जी पॉइंट कोऑर्डिनेशन फंक्शन सो द पॉइंट कोऑर्डिनेशन फंक्शन इज बेसिकली यूज्ड इन द इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क तो इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क में अब क्या होगा इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क में एक्सेस कंट्रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आ जाएगी एक्सेस पॉइंट की क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्सेस पॉइंट होता है द एक्सेस पॉइंट इज यूज टू कंट्रोल द नेटवर्क एक्टिविटी तो इट इज इंप्लीमेंटेड ऑन द टॉप ऑफ डीसीएफ डीसीएफ के और टॉप पे हम इसको यूज करते हैं और इसीलिए इसमें थोड़ी सी प्रायोरिटी ज्यादा होती है वो कैसे होती है वो देख लेते हैं पोलिंग में सभी को फिर एलोकेट करेंगे कब कौन कौन ट्रांसमिशन कर सकता है तो अब पॉइंट कोऑर्डिनेशन फंक्शन को डिस्ट्रीब्यूटेड कोऑर्डिनेशन फंक्शन के ऊपर हम प्रायोरिटी देते हैं अब प्रायोरिटी देने के लिए हम क्या यूज करते हैं डी की जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरफ्रेम स्पेस की जगह पे हम यूज करते हैं पॉइंट कोऑर्डिनेशन इंटरफ्रेम स्पेस और PIFS की जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है इट इज लेस देन द डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरफ्रेम स्पेस मतलब एक डिस्ट्रीब्यूटेड एक एडहॉक नेटवर्क है और एक दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क अगर ये दोनों आपस में आ, कम्युनिकेट कर रहे हैं तो प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होगी इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क की क्योंकि उसका जो पी है वेटिंग टाइम है वो छोटा है एज कंपेयर फॉर द आर टी एस तो अब इसमें जो आपका पॉइंट कोऑर्डिनेशन फंक्शन है उसमें डी नहीं यूज होगा उसमें यूज होगा आई और इसका जो टाइम टाइमिंग वैल्यू होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू द डी आई एफ एस इसीलिए जिसका टाइमर वैल्यू कम हो गई उसको ज्यादा प्रायोरिटी मिल जाएगी तो उसके बाद जी आ, सारा बाकी जो प्रोसेस है विल रिमेन सेम लेकिन जितनी कंट्रोलिंग होगी अब वो कंट्रोलिंग कौन करेगा एक्सेस पॉइंट बाकी जो चीज है वो सेम रहेगी तो लेकिन अब जो नैब uh, वगैरह चीजें हैं वो एक्सेस uh, पॉइंट कंट्रोल करेगा

Collisions. तो अब बात कर लेते हैं जी फ्रेम फॉर्मेट ऑफ आई ट्रिपल टू डॉट इलेवन तो, uh, these are the field. तो FC है इसको हम डिटेल में देखेंगे. Uh, protocol version होता है, सब टाइप टू डी एस फ्रॉम DS. DS uh, ये आगे चल के देखते हैं एड्रेसिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है uh, distributed system, from distributed system. उसके बाद पावर मैनेजमेंट वायरलेट इक्विलेंस प्राइवेसी मतलब सिक्योरिटी और रिजर्वेशन ये uh, सारे फील्ड होते हैं एफसी के कंटेन टू बाइट्स देन वी हैव डी एड्रेस वन एड्रेस टू एड्रेस थ्री एससी एड्रेस फोर फ्रेम बॉडी बेसिकली द डाटा एंड द एरर कंट्रोल मैकेनिज्म एफसीएस तो सबसे पहले देखते हैं uh, हमारे पास है फ्रेम कंट्रोल एफसी तो एफसी इज अ टू बाइट्स फील्ड मतलब 16 बिट्स होते हैं डिफाइन द टाइप ऑफ फ्रेम एंड कंट्रोल इंफॉर्मेशन तो जो आपका एफ सी है मतलब फ्रेम कंट्रोल है कि फ्रेम का टाइप क्या है और उसमें थोड़ी सी कंट्रोल इंफॉर्मेशन होगी तो जैसे हमने बताया इट हैज वेरियस फील्स लाइक वर्जन द करंट वर्जन द टाइप इंफॉर्मेशन इन द फ्रेम बॉडी और इट क्या वो फ्रेम जो सेंड हुआ है वो मैनेजमेंट फ्रेम है कंट्रोल फ्रेम है कि डेटा फ्रेम है फ्रेम का टाइप क्या है सब टाइप ऑफ द फ्रेम कि अगर कंट्रोल इन्फॉर्मेशन है तो कंट्रोल इन्फॉर्मेशन में भी क्या है रिक्वेस्ट टू सेंड है क्लियर टू सेंड है कौन सा कंट्रोल इंफॉर्मेशन है टू डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम ये बताता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम से आ रहा है फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम से आ रहा है मोर फ्लैग मीन्स एक से ज्यादा फ्रेगमेंट है एक से ज्यादा फ्रेम्स आएंगे रिट्राइ मीन्स रिट्रांसमिशन पावर मैं मैनेजमेंट मींस इफ द वैल्यू इज वन मींस द स्टेशन इज पावर इन पावर मैनेजमेंट मोड मतलब आइडियल बैटर अपनी बैटरी को सेव कर रहा है मोर डेटा मींस कुछ और डेटा आएगा सिक्योरिटी के लिए हम यूज करते हैं wep पी स्टैंड्स पी स्टैंड फॉर वायर इक्विली इंक्रिप्शन टेक्निक है एंड द लास्ट फील्ड इज फॉर द लास्ट फील्ड इज रिजर्व नेक्स्ट है जी डी डी स्टैंड फॉर ड्यूरेशन टू बाइट का होता है

तो स्टेशन सोर्स डेस्टिनेशन एंड बेस स्टेशन सोर्स डेस्टिनेशन तो अगर डी एस जीरो सेट है और फ्रॉम डीएस जीरो सेट है टू डीएस मीन्स डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को जा रहा है फ्रॉम डीएस मींस डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम से आ रहा है तो इट मीन्स ना ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को जा रहा है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम से आ रहा है तो इट मीन बेस एस इज सेंडिंग दूसरे स्टेशन के लिए है अगर टू डी एस एस जीरो है और फ्रोम डी एस एस वन है इट मीन्स ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को नहीं जा रहा ये जा रहा है स्टेशन को लेकिन आया कहा से है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम से मीन्स एक्सेस पॉइंट से फ्रेम आ रहा है और स्टेशन के पास जा रहा है दूसरा है जी टू डी एस डीएस फ्रॉम डीएस टू डी एस पॉइंट की तरफ जा रहा है लेकिन जा से रहा है स्टेशन की तरफ से तो इट मीन्स वन एंड जीरो टू डीएस फ्रॉम डी एस दोनों वन सेट है मीन्स एक स्टेशन से दूसरे बे स्टेशन से पे जा रहा है एक एक्सेस पॉइंट से दूसरे एक्सेस पॉइंट से पे या एक बेस स्टेशन से दूसरे बेस स्टेशन में ये फ्रेम जा रहा है तो एड्रेसिंग के चार मैकेनिज्म है ये आपको बताते हैं कि कम्युनिकेशन किसके बीच में हो रही है दो स्टेशन के बीच में हो रही है स्टेशन और डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम के बीच में हो रही है डिस्ट्रीब्यूटेड और डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम के बीच में हो रही है तो ये सारी ये आपको चार इन वैल्यू से पता चलेगा

कंट्रोलिंग का सारा काम करता है एक्सेस पॉइंट उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड कोऑर्डिनेशन फंक्शन को हमने डिस्कस किया डिटेल में हमने डिस्कस किया कोलिजन हाउ द कोलिजन कैन बी अवॉइडेड बाय यूजिंग द नेट एलोकेशन वेक्टर या जिसको नेटवर्क एलोकेशन वेक्टर बोलते हैं एन ए वी देन वी डिस्कस द पॉइंट कोऑर्डिनेशन फंक्शन और हमने डिस्कस किया हाउ द पॉइंट कोऑर्डिनेशन फंक्शन गेट्स द प्रायोरिटी ओवर द डिस्ट्रीब्यूटेड कोऑर्डिनेशन फंक्शन देन वी डिस्कस द फ्रेम फॉर्मेट ऑफ द आई ट्रिपल एट जीरो टू डॉट इलेवन कौन कौन से फॉर्म फील्ड uh, होते हैं फ्रेम में और वो उनका यूज क्या क्या है और उसके बाद हमने डिस्कस और उसके बाद हमने डिस्कस करी एड्रेसिंग इन आई ए आई ट्रिपल एट जीरो टू डॉट इलेवन सो आई होप यू आर क्लियर विद ऑल द कॉन्सेप्ट थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टू डेव वेरी नाइस डे सी यू नेक्स्ट टाइम